सजनवा के गीडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। 204 करोड़ की एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया। इस बॉटलिंग प्लांट में अब 11 जिलों को रसोई गैस की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके साथ ही प्रतिदिन यहाँ 68,000 एलपीजी सिलेंडर भरे जाएंगे। आपको बता दें कि सजनवा तहसील के गीडा सेक्टर 15 में एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल में लगातार विकास के कामों को तेजी से गति दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के खाद कारखाने का मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया, जहां 2021 में यूरिया खाद की सप्लाई होने लगेगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने धुरियापार 2G एथेलान प्लांट और गीडा में बॉटलिंग प्लांट के शुभारंभ के मौके पर केंद्र की सरकार का आभार जताया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। पीछे अच्छे कहने के बावजूद तो यहाँ पे हम ये 19 KG का है, 45.5 KG का है, 432 KG का है। ये ब्लू और सर जो ब्लू वाला है एक मुख्य सिलेंडर है, जो रेड वाला है ये अभी अभी बहुत सारे जिला में इसमें सब्सिडी मिलती है सरकार की, इसमें सब्सिडी नहीं मिल होटल वगैरह में जाता है, होटल में जाता है। इतने बड़े भी जाते हैं क्या? ये सर इसको जंबो बोलते हैं सर, हम कैसे जाते हैं ये सर, इसको ट्रॉली होती है हाइड्रोलिक ट्रॉली, उसके बाद इसको उसमें कन्वेयर सिस्टम से इसको लोड कर दिया जाता है। कितना कितना इसमें लीटर होता है? इसमें 425 KG सर गैस होता है, LPG लिक्विड होता है। उसमें सर गुरु जी कैरोजन नहीं चल रहा है सर, लग गया हम समझ में आ गया हम कैरोजन लिखा एक बार बारह सब लेके आएंगे सर। ये कांडला से गोरखपुर की पाइपलाइन जो है ये 2800 किलोमीटर की है सर, इसमें 10,000 करोड़ का खर्चा कर रही है सरकार। और ये मुंद्रा पोर्ट है, इसके साथ भी कनेक्शन रहेगी आगे। कांडला पोर्ट है, दहेज पोर्ट है, कुबावा पोर्ट है, और साथ में ये पहली रिफाइनरी है, ये सीधा फिट करेगा। ये हम लोगों ने देखा जो उज्ज्वला लगाया, उज्ज्वला कहाँ लगी है? उज्ज्वला लगी है इसी में, इसे उज्ज्वला की जो 8 करोड़ है आपकी 1 करोड़ में से 70 लाख इसी में लगी है। हाँ इसमें मिलती है, ये 80, ये 80, ये 80, ये 20-25 इसी रेट में चाहिए। इसीलिए इस पाइपलाइन को, इस पाइपलाइन के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5 इससे पाइपलाइन यहाँ तक सोचा गया था सर, दुर्गापुर तक आ गई है सर, इसको फिर हम लोग जोड़ देंगे ठीक है। पर इस जिला देखा, इसमें से कहाँ से इससे भी जिला देखा सर, ये हमारे प्लांट है, कुल 12 प्लांट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी अलग अलग क्षमताएँ हैं, कुल मिला के क्षमता लगभग 1400 KG की है। इसमें हर प्लांट का जैसे वाराणसी प्रयागराज लेंगे सर, तो प्रयागराज प्रतापगढ़, प्रयागराज चित्रकूट, मिर्जापुर, संतरा विकास नगर, इन जिलों में LPG की आपूर्ति है। प्रतापगढ़ से जी सर, प्रयागराज प्रयागराज। और सर ये जो है इस तरीके से ये सर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले तक 75 जिले उनका कौन सा प्लांट हमारा आपूर्ति कर रहे हैं इसको दोनों का ना, हर सिलेंडर का यहाँ पे जो फेयर वेट है, खाली सिलेंडर का वेट, वो ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा ये मशीन डीजल लीटर। और ये उधर फ्रोजन मशीन में है और 35,000 सिलेंडर रोज 100 ये रिफिलिंग का है, ये फिलिंग का है सर।
अभी मैकेनिकल कंप्लीट किया है हमने, अभी कमीशन नहीं किया है इसको, गैसिंग करेंगे हम इसको। तो ये इसके ऑटोमेटिकली आगे सर दो यूनिट लगे हुए हैं, अगर सेंटर में कोई लीकेज होगी तो ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा, इसमें लीकेज पाई गई वो यहाँ से ये सिलेंडर ऑटोमेटिकली लगेंगे सर, और जिसमें लीकेज पाया गया 0.5 ग्राम पर आवर से ज़्यादा वो ऑटोमेटिकली चेक करके वो मशीन में चल जाएगा, उसमें इसका वाल चेंज हो जाएगा, फिर यह मशीन में आ जाएगी, फिर चेक होगा वो ओरिंग यहाँ चेक होगा सर, सारे सिलेंडरों का ओरिंग और वाली ये बंद में भी हुआ होगा, ये दोनों ये चेक करेगा सर, ये इसमें भी कोई गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगा ऑटोमेटिकली रिजेक्शन, ऑटोमेटिक रिजेक्शन, इसमें जो सेफ्टी कैप रखा जाएगा ऑटोमेटिकली अच्छा पीछे हो गया फ्रेम अच्छा आएगा, अगर कोई बॉडी लीक होगा सिलेंडर वो भी टेस्ट हो जाएगा, पानी भर जाएगा, फाइनल जब सारे चेक हो जाएंगे तब सिलेंडर पहले टैंकर से लेकर आएंगे, जब तक पाइप नहीं आएंगे तो यहाँ पे बस ये मोबाइल पीछे कर लेना बैठ जाओ, बस आगे नहीं, रवि भैया उधर स्पर्श हो गया, फोड़ दीजिए। प्लांट को मुख्यमंत्री जी तब एमपी थे गोरखपुर के, 2015 जनवरी में 120,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का इस एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को, जो उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जहां ज़्यादा लगी है उस इलाका में निरंतर एलपीजी मिलते रहे, ये बॉटलिंग प्लांट की कल्पना की गई थी, 200 करोड़ रुपया खर्चा करके इस बॉटलिंग प्लांट की कल्पना की गई थी, आज एक सुखद संयोग है उसकी उद्घाटन भी, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनकी हाथ में आज इसकी लोकार्पण हो रहा है, ये पूर्वांचल की एलपीजी ग्राहकों को विशेष करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ग्राहकों को ये बहुत लाभ देगा, उसके साथ साथ एक पाइपलाइन हम लोग पश्चिम तट से 2700 किलोमीटर लंबा 9000 करोड़ रुपया खर्चा करके पाइपलाइन भी गोरखपुर तक बना रहे हैं, इस टर्मिनल तक बना रहे हैं, इस बॉटलिंग प्लांट तक बना रहे हैं, दूसरी एक पाइपलाइन पारादीप से लेके पूर्व की तट पारादीप से लेके उड़ीसा बंगाल झारखंड बिहार होते हुए मोतिहारी होते हुए ये आएगा गोरखपुर को, एक रिंग रोड बनेगा पश्चिम और पूर्व के, और गोरखपुर इसकी मध्यस्थल होगा, इस इलाके की नागरिकों को निरंतर स्वच्छ ईंधन पहुंचे, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस इलाका के लिए सौगात है।
देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी अनुकंपा से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को इतनी ज़्यादा सौगातें मिल रही हैं, खास तौर पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात थी कि आज केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान जी का यहाँ आगमन हुआ है। जनवरी 2015 को भी उनका आगमन हुआ था, तब इस बॉटलिंग प्लांट का यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आज बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में इससे रसोई गैस के सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराने में बहुत सहूलियत होगी। यहाँ पर जब पाइपलाइन से जुड़ेगा यह सुविधा और आसान हो जाएगी। साथ ही हम लोगों ने आज धुलिया पार में, गोरखपुर के दक्षिणांचल में जो एक उपेक्षित क्षेत्र था, जहाँ पर उद्योग शून्य था, आज एक नए उद्योग का शुभारंभ करने का शिलान्यास किया गया है। बायोफ्यूल की एक यूनिट वहाँ लगी है। प्रारंभिक पहले चरण में 150 करोड़ रुपए का उसमें निवेश होगा, जिसमें किसानों के खेतों की पुआल, खरपतवार, शहरी कचड़ा, इन सब को लेकर के जो बायोफ्यूल बनेगा, गोबर, किसानों के गोबर, गो संरक्षण का भी कार्य इससे आसानी से होगा। और साथ ही साथ हम बायोफ्यूल के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति करने में भी, किसानों की समृद्धि में, आमदनी को दोगुना करने में काफ़ी बड़ी मदद इससे मिलेगी। दूसरे चरण में सेकेंड जनरेशन का वहाँ पर एक इथेनॉल का प्लांट लगेगा, जो 900 करोड़ रुपए की लागत का होगा। एक औद्योगिक रूप से शून्य जो क्षेत्र माना जाता था, औद्योगिक रूप से काफ़ी समृद्ध होगा, विकास की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ेंगी। हम लोगों ने आज फर्टिलाइज़र कारखाने का, हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड की भी समीक्षा की है और बहुत अच्छी प्रगति है। 26 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से जुलाई 2016 में उन्होंने शिलान्यास किया था और आज उसकी प्रगति काफ़ी अच्छी है। यह प्लांट यहाँ पर गोरखपुर में नवंबर 2020 में बनकर के तैयार होगा और यहाँ से फरवरी 2021 में यूरिया आदि का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के किसानों के लिए भी मुझे लगता है एक उनके बहुत आसानी से उन्हें खाद उपलब्ध हो पाएगी, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का यह उद्यम गोरखपुर में फर्टिलाइज़र कारखाने के रूप में लग रहा है। आज ये बॉटलिंग प्लांट गोरखपुर गीडा का और बेतालपुर का दोनों का भी उद्घाटन हुआ है और साथ ही साथ बायोफ्यूल की एक नई यूनिट का धुलिया पार में शिलान्यास हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं कि विकास की प्रक्रिया के साथ इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश और उन सभी क्षेत्रों को जोड़ा है जो अब तक इन सब से पिछड़े थे। और ख़ास तौर पर कांडला से जो गैस पाइपलाइन आ रही है, ये सचमुच ऊर्जा की ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के विकास को एक नई ऊँचाइयाँ देगा, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य होगा कि पूरब को पश्चिम से जोड़ने के लिए, कांडला को पारादीप से जोड़ने के लिए गोरखपुर उसका जंक्शन बनेगा। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से होने जा रहा है, बहुत अभिनंदनीय कार्य।